दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट इलाके में एक बार फिर मेवाती गैंग चढ़ा पुलिस के हत्थे। दिल्ली में एटीएम लूटने की शिकायत आए दिन मिलती रहती थी। यह वारदात कौन कर रहा है, इस गिरोह को ढूंढने के लिए पुलिस के पसीने छूटे हुए थे। इसी चक्र में पुलिस ने कितने ही चक्रव्यूह रचे मगर कामयाबी नहीं मिल रही थी। तब यह मामला स्पेशल स्टाफ को दे दिया गया। इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में उत्तम नगर छावला थाना इलाके के लूटे गए एटीएम का जायजा लिया गया तो पता चला यह गिरोह एटीएम में घुसते ही सीसीटीवी पर स्प्रे कर उसे धुंधला कर देते थे, जिससे कुछ पता ना चले। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने साइबर सेल की मदद ली और घटनाओं के समय मोबाइल लोकेशन देखी गई। इसी से इस गिरोह के एक्टिव पता चली और 26 जनवरी को इन्हें दबोच लिया गया। इनके द्वारा एटीएम को काटने वाली गैस कटर और रुपए डालने वाली एटीएम की ट्रे भी बरामद कर ली गई। इतना ही नहीं, यह लोग हथियारों का भी इस्तेमाल करते थे। इनके पास से 2 देसी कट्टे और बटनदार चाकू भी बरामद हुए। पुलिस और भी मामलों की छानबीन में लगी है, क्योंकि यह मेवात का गिरोह हरियाणा, यूपी और राजस्थान कई और स्टेट्स में एटीएम लूट चुका है। खबर जगत दिल्ली से पंकज कुमार की रिपोर्ट। सर, क्या मामला है ये एटीएम के लूटेरों? दिसंबर महीने में कुछ जगह से, इवन पीएस उत्तमनगर इलाका से भी और बाकी दिल्ली में कुछ और जगह से भी एटीएम तोड़ के उगाड़ के चोरी करने के वारदात हमारा सामने आया था। सो उत्तमनगर में हमने रॉबरी के केस दर्ज किया था। इसके बाद स्पेसिफिकली स्पेशल स्टाफ टीम को तो हमने टास्क कर रखे थे और इसके मुताबिक स्पेशल स्टाफ टीम ने काम कर इंस्पेक्टर नवीन के नीचे और एसआई अरविंद के नीचे, जो साइबर सेल हमारे द्वारका डिस्ट्रिक्ट का साइबर सेल टीम के साथ काम करते हुए, और एक सूचना मिला था और कुछ बदमाश लोग मेवात रीजन से और चावला के इलाका में आके ये ऐसे सिमिलर टाइप ऑफ एटीएम उगाड़ने का वारदात कर सकते हैं। उसके मुताबिक इन्होंने टीम फॉर्म करके और 4 बंदे को पकड़ा था। ये चारों का नाम है आशिक, इस्तियाक, फरमून और राहुल जाट। ये चारों इन लोगों का, कुछ लोगों का प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, सिमिलर टाइप ऑफ इन्वॉल्वमेंट है। ये जो पिछले बार भी कई जगह पे इन्होंने एटीएम का उगाड़ के चोरी करने का वारदात हमारा सामने आया और पूछताछ करते वक्त पता चल गया हमारा पीएस उत्तमनगर का जो एटीएम चोरी किया था, रॉबरी किया था, उसमें भी ये लोग शामिल थे और एक दो और बंदे भी थे और उसको हम तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश में आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं से, ये चारों से एक होंडा i20 का गाड़ी मिला और इसी के इस्तेमाल करते हुए ये लोग वारदात करते हैं। और इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स मिला, 3 लाइव कार्ट्रिजेस और 4 चाकू का, जो बटनदार चाकू बोलते हैं, वो भी मिला। और इसके अलावा गैस कटर्स, खास करके जो क्राइम में इन्होंने इस्तेमाल किया गैस कटर्स एंड गैस सिलेंडर्स, वो भी मिल चुके हैं। और सीसीटीवी में जैसे दिखाई देता है, ये जो स्प्रे लगा के सीसीटीवी को कला करते हैं, वो स्प्रे भी मिल चुके हैं। और इसके अलावा जो एटीएम्स का ट्रेस है, जो कैश पैसा वगैरह लगा के वो एटीएम के अंदर डालते हैं, वो ट्रे भी मिल चुके हैं और तफ्तीश आगे बढ़ रहा है। अच्छा सर, ये अभी तक कितने एटीएम काट चुके हैं? अभी तक जो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट एक लड़का है, फॉर एग्जांपल ये जो आशिक है, इनका पिछले 5-6 केसेस है एटीएम काट के। हालांकि सर यहाँ सिर्फ दिल्ली में नहीं है, एनसीआर रीजन पूरा में है और इसके अलावा इवन लखनऊ तक ये लोग वारदात कर चुके हैं। और स्पेशल स्टाफ द्वारका टीम ने अच्छा काम किया अंडर द लीडरशिप ऑफ इंस्पेक्टर नवीन, सो इन्हें पकड़ लिया और ये प्रिवेंटिव एक्शन भी हो जाएगा। धौलाकुआ केस के बाद ये गैंग धौलाकुआ था, अब कहाँ, इसके बाद कहाँ वारदात करते थे? धौलाकुआ गैंग रेप के बाद ये गैंग जो है नाम में नहीं आया काफी देर, अब अचानक से फिर सक्रिय हुआ। मेवात का जी, मेवात गैंग नहीं, मेवात में कहीं जगह पे इन्होंने कई कई जगह पे यहाँ आके करते थे
और इसी का द्वारका में हमारा सामने आया, उसको पकड़ ली। थैंक यू मदन जी।